नमस्ते। अभी हमारा बैलेंस बन नहीं पा रहा है और जहां हम खड़े हैं ये जगह बड़ा खतरनाक है, बड़ा रिस्की है। अपने रिस्क पर ही खड़े हैं और रिस्क इतना है कि कभी भी किसी भी वक्त ये ढह कर नीचे जा सकता है, और ये जब नीचे जा सकता है तो कितना नीचे जाएगा इसका भी कोई अंदेशा नहीं है। ये अकबर नगर की मैं अभी ग्राउंड की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, और ये अकबर नगर का मेन रोड है, और मेन रोड पर ये जो बिल्डिंग है जिसे घर नहीं बल्कि दुकान थी, और इस दुकान के अंदर जो सामान थी वो जस की तस थी, और सामान के रहने के बावजूद भी ये घर भसा दिए गए बुलडोजर्स के माध्यम से, बुलडोजर की सहायता से। और इसके नीचे देखेंगे तो अभी दो फ्लोर है, हमको लग रहा है कि ये पहला फ्लोर तोड़ा गया है और इसके ग्राउंड फ्लोर बचा हुआ है और उसके अंदर से सामान निकाला जा रहा है। ये सीढ़ी है जो गिर चुकी है, इसके ऊपर एक छत होगा जो गिर चुका है। अंदर वहां देखेंगे तो ट्यूबलाइट लगी हुई है। ए बाबू, ट्यूबलाइट लगी हुई है, गिराओगे हमको भी खुद भी गिरोगे, तो ट्यूबलाइट लगी होगी। उधर देखेंगे तो ज्यादा मलबा इसी घर का पड़ा होगा, यानी कि पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया है। इधर अगर आपका गलती से भी पाव इधर उधर गया तो आप अंदर चले जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। और ये बच्चे अपनी रिस्क पर कहा जा रहा है जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके माता पिता भी हमको लग रहा है कि कोई रोकलेट होगा। कहाँ घर है तुम्हारा? हमारा पीछे। पीछे क्या कर रही हो इस पर? इस टहलने आई थी। टहलने आई थी, टहलने। क्या नाम है? हमारा नाम है अलीसा। अलीसा, तुम्हारा? सानिया। और तुम्हारा? निशा। मेरा स्कूल टूटने वाला है। स्कूल टूटने वाला है और घर? मेरा घर भी टूटने वाला है। तो कहाँ रहोगी अब? हम लोग यही रहेंगे। देखो गिरो और गिरना मत, नहीं तो नीचे चली जाओगी फिर पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ ये गिर जाओगी, इसमें घुस जाओगी, अंदर चली जाओगी, तो ये डर नहीं लग रहा है? मुझे डर लगता है। लगता है? क्यों घर नहीं जा रही हो? लोग बुला के लेके आते मुझे। अच्छा, तो बाबू ये बताओ कि इधर गिर जाओगी, वो देख रहे हो कितना नीचे जगह है, खाल है, उसमें चली जाओगी फिर दब जाओगी। मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? हमारी मम्मी घर पे हैं। हाँ। और पापा हैं, पापा को गाड़ी नहीं चलाने देते हैं सब। तो ये बताओ घर जाओ, घर रहो, क्योंकि ये गिर जाओगी फिर इसमें दब जाओगी। तो ये किराने किराने चलते हैं ना, फिर किनारे किनारे चलती हो। तो ये सभी मलबा है और यहाँ का ये दुकान है, और दुकान की सामाने अंदर की दब गई है, ऊपर भी जो सामाने थी वो दब गई है। और देखिए वो बच्ची गिर गई, देखिए वो बच्ची को बोल ही रहे थे कि गिर जाएगी और वो बच्ची गिरी। और मैं बार बार, मुझे डर लग रहा है और इन बच्चियों को डर नहीं लग रहा है। ये बहुत रिस्की जगह है और नीचे भी जो सामाने थी वो अंदर दबी हुई थी, और दुकान के मालिक जो हैं वो अपने वर्करों की सहायता से जितना सामान निकाल पा रहे हैं, निकालने में सक्षम है, वो निकाल रहे हैं। मैं आगे आऊं, इधर देखेंगे तो ये सीढ़ी है, सीढ़ी के माध्यम से लोग नीचे जा रहे हैं अपने रिस्क पर, और उसके बाद वहां से सामान निकाल रहे हैं। ये टेबल है जो दुकान में पड़ी होगी और वो टेबल भी उसी में दब गई है, उसके अलावा दरवाजा है। भैया बताइए इसमें क्या क्या था? जैसे भैया कोई सामान बाहर नहीं निकला हुआ, इसमें औजार औजार सब कुछ है, जितना सामान था इसके नीचे दबा हुआ। भाई ये देखिए अलमारी दबी हुई है, उधर भी वो रखी है अलमारी, काउंटर रखा हुआ, भाई सारा सामान इसके अंदर दबा हुआ है। जितने औजार थे, कंप्रेसर मोटर सारा सामान इसके अंदर दबा। किस चीज का दुकान था? उसका फर्नीचर का दुकान था भाई, वहां से लेके ये पूरी यहाँ तक एक ये दुकान और एक वो, दोनों दुकान अगल बगल में थे। उधर से तो फिलहाल सामान निकल गया पर यहाँ का सामान नहीं आ पाया। कब ये गिराया गया? ये परसों गिरा है पूरा भाई, परसों। बताया गया था कि खाली करिए सामान? हाँ, उसका तो हुआ था ऑर्डर, लेकिन भाई हम लोग जितना भी ले जा पाए उतना यहाँ से निकाले, उसके बाद सामान नहीं निकल पाया है। रात को गिराया? रात में गिराए, अचानक से आकर गिरा। हाँ, ये रात में गिराए, जो भी पब्लिक आती थी उनको पुलिस वाले भी हटा देते थे ताकि जो सामान है वो ना उठा पाए। हाँ, फिर गिरा दिया, फिर ये हो गया। लगभग इसमें सामान दबा हुआ? सामान भैया बहुत है, इसकी कोई अंदाजा नहीं है। कंप्रेसर से लेके इसमें हर कुछ था भाई, दसी उलाक का भी इसमें सामान था, उससे भी था ऊपर, इसकी कोई वो नहीं। बाकी ये जो बिल्डिंग है उससे
उसकी कीमत भैया अरबों खरबों में, ये मत पूछिए इसकी क्या कीमत है। आपको पता है शहर में अगर इतना बड़ा कुछ भी सामान लोगे तो बहुत हो गया। और ये स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से जाने को मजबूर है, भैया मानते नहीं है, लोहे की जकड़ में कितनों की टांग इसमें टूट गई, जान भी चली गई भैया, कोई जल्दी मानता नहीं है। मानेगा क्या भाई, कोई काम धाम किसी के पास है नहीं, ले दे के अब जो बच्चा है अब जो पाता है वो आदमी भी ले जाता है। और उधर भी बड़ी संख्या में लोग हैं, और ये देख सकते हैं वहाँ सीढ़ी है, उस सीढ़ी से अंदर जा करके जो सामान बचे खुचे हैं वो सामान निकाल रहे हैं लोग उधर से, और जिसका दुकान है वो जा रहा है इधर, जो लोग हैं दुकान के मालिक और उनके साथ काम करने वाले लोग, वो लोग किस सहायता से सामान निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इधर भी कुछ चीज़ें हैं जो वो भी गिराई जा चुकी है, और वहाँ से बड़ी संख्या में लोग सरिया काट रहे हैं। आप देखेंगे छत तो टूट गया है लेकिन छत की जो सरिया बची है उसको जनरेटर के माध्यम से उपयोग करके और उसकी सरिया काट करके सरिया को बेचा जाएगा संभवतः मार्केट में। और इस तरीके से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो पूरी की पूरी गिरा दी गई है, जमीन दोस्त कर दी गई है। और इसके अलावा भी जो बची बिल्डिंगें आपको दिख रही होगी उन पर भी क्रॉस लग चुकी है, अर्थात वो भी आज नहीं तो कल गिरा दी जाएंगी। उसी क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे भी देखेंगे तो इधर उससे भी बड़ी बिल्डिंगें यानी 3 मंजिला बिल्डिंगें हैं, और इस 3 मंजिला बिल्डिंग को भी बुलडोजर गिरा चुकी है, और गिराने के बाद जो बचे सवाल है इसमें से भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है। लोग अपनी जिंदगी का रिक्स लेकर के अंदर घुसे हुए हैं, अगर अंदर देखना चाहे तो उधर भी देखेंगे तो उधर भी लोग घुसे हुए हैं और अपना सामान की रक्षा कर रहे हैं। और ये सारी दुकानें थी, दुकान किस प्रकार से थी ये समझने के लिए आपको वहाँ पर लिखा हुआ है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा और ना ही बदला जाएगा, अर्थात ये कोई ना कोई दुकान था। स्विच बोर्ड भी है और CFL है, LED है। इसके अलावा ये सभी सामान हमको लग रहा है कि दुकान की ही है। तो ये सारी दुकानें थी जो कि अब जमींदोज कर दिया गया है सरकार द्वारा, बुलडोजर द्वारा, LDA द्वारा। और ये देखिए ये जो फर्स्ट फ्लोर है जो अंडरग्राउंड वाला है वो भर चुका है इसके मलबा से, और ये बड़ी बिल्डिंगें जो थी वो अब जमींदोज कर दी गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें उधर दिशा में उसके ठीक सामने तो वो भी देख सकते हैं बड़ी संख्या में वहाँ पर भी घरें ऐसी हैं, जो बिल्डिंगें ऐसी हैं, दुकानें ऐसी हैं जो वो भी गिरा दी गई है। और बड़ी संख्या में PSC बल भी वहाँ पर मौजूद है जो PSC बल देख रही है लगातार कि कोई व्यक्ति कुछ उपद्रव ना बचाए, कोई कुछ करे ना। और ऐसे करके यहाँ पर अकबरनगर की ये स्थिति है जो लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, हर जगह पुलिस चप्पा चप्पा पर पुलिस है, भारी संख्या में पुलिस है। और ऐसा कहा जा रहा है कि रात को बुलडोजर की कार्रवाई करती है पुलिस और सभी घरें गिरा दी जाती है। धन्यवाद, देखते रहिए लखनऊ वाले। मेरा नाम विकास सिंह, कैमरे के पीछे विवेक गुप्ता। अभी हम लखनऊ के अकबर नगर में मौजूद थे, धन्यवाद।